आगरा थाना न्यू आगरा क्षेत्र में अबुल उल्हा दरगाह के पास शनिवार को दिन दहाड़े पैदल जा रही महिला रानी पत्नी याकूब निवासी नाई की मंडी की एक्टिवा सवारों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद तमंचा लहराते हुए वहां से भाग गए। घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना 3 बजे से लगभग बताई जा रही है। महिला के पर्स में मिले आधार कार्ड से इसकी पहचान हुई। सूचना पर एसपी सिटी बोथरे रोहन प्रमोद इंस्पेक्टर न्यू आगरा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी सिटी ने बताया कि हत्या के खुलासे के लिए टीम का गठन कर जल्द हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। हत्या हुई है, कैसे हत्या हुई, क्या जानकारी मिली पाए? देखिए, थाना पुलिस को एक अभी फोन आया था जिसमें ये बताया गया था कि अबुलाला की दरगाह के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। मौके पे समस्त थाना पुलिस अधिकारी सब पहुंचे हुए थे। महिला के जो पर्स है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे। इनकी पहचान उसमें रानी के नाम से अभी हुई है, नाई की मंडी की रहने वाली है। अबुलाला के दरगाह के पास जो लोगों का कहना है उसमें कुछ लोग आके इनको गोली मार के यहाँ से चले गए हैं। हम लोग अभी कुछ टीमों का इसमें गठन न करेंगे और सीसीटीवी के एनालिसिस न करते हुए और बाकी डिटेल्स लेते हुए जो भी इसमें कृत्य जिसने कारित किया है उस पर जरूर पहुँचेंगे। क्या ये पता चला कि कितने लोग थे घटना में? देखिए, अभी न कुछ क्लियर नहीं है। कुछ लोगों का न कहना है कि एक बाइक थी, दो बाइक थे, अलग अलग कहना। उसमें सीसीटीवी का जब एनालिसिस करेंगे, अन्य जो साक्ष संकलन करेंगे उसकी चीज़ें पता चलेंगी। बॉडी को अभी पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।